એમરોત્યુસાગર સખર કો માયા આદનાન ચેક માયા વખત એફબીઆર જે જેતે મુખ્તલિફ કિસ્મ જો સિગરેટ આ સાડી પેન જે જી કિંમત જે કી બુધાઈ પેને 13 કરોડ બુધાઈ પેને ઇન જી જે કી ટેક્સ આવા 11 કરોડ રૂપિયા ટેક્સ જે કી પેડ ના થીલે અચો તો જે કી ને જે અગવાણ મીડિયા સા ગાલે તા ઉનન જી તા સા ગાલ બોલ કરાયો તા લગભગ 135 મિલિયન રૂપીસ કી ગેર ટેક્સ અદાશુદા સિગરેટ્સ કો તલફ કિયા હૈ ઓર યે સેકન્ડ ટાઈમ હમ કર રહે હૈ યે તકરીબ दिसंबर में भी हमने 117 मिलियन का जो है माल तल्फ किया था। आज की तकरीब जो है ये चोरी टैक्स चोरी के खिलाफ एफपीआर की जारी मुहिम का हिस्सा है और इंशाल्लाह हम पुरअज़्म हैं कि हम इस तक इन चीज़ों को जारी रखेंगे। लायमल यही है कि जहां पर टैक्स चोरी हो रही है हम उसको प्लग करेंगे। ये जो सिगरेट्स थी इन पर टैक्स दिया नहीं गया था तो इनको हमने जब्त किया और आज हमने इसको तल्फ किया। आगे भी हमारा यही है कि पुरअज़्म है कि ये हमारी जो कैंपेन जारी रहेगी। नहीं, ये जो है वो एजे की कंपनी थी जिसका माल था, तो बहरहाल हम उसके पीछे जा रहे हैं। तो इस साल का हुआ है जो 135 मिलियन मैंने आपको बताया, इससे पहले दिसंबर में भी हमने की थी कार्रवाई जिसमें 117 मिलियन का माल हमने जब्त किया था। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने अपना टारगेट पूरा किया है। जो कौमी ग्रोथ रेट था 30%, उसके अगेंस्ट हमने 40% ग्रोथ अचीव किया है सक्कर में, माशाल्लाह। वो तो इंशाल्लाह हमने इस साल जो गवर्नमेंट की स्कीम है कि छोटे ताजरों को हमने टैक्स नेट में लाना है, उसके हवाले से हमने जो है अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। इंशाल्लाह इस साल हम उनके पीछे भी जाएंगे। वर्दी चीफ कमिश्नर साहब ने बता दिया टारगेट पूरा हुआ है और वो रीजनल टैक्स ऑफिस इस पे काम कर रही है, लेकिन ये जो आज इवेंट हुआ है हमारी, ये सिगरेट डिस्ट्रक्शन है, वो सिगरेट है जो लाड़काना डिवीजन और सखर डिवीजन से पकड़ा गया। हमारा स्क्वाड है इंडियन रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क, वो उसका जो स्क्वाड है वो रीजनल टैक्स ऑफिस सखर का है और हेडेड बाय मोहम्मद याकूब राजपर और उसकी टीम है डेडिकेटेड। उन्होंने ये सिगरेट जो थे, एक तो जाली सिगरेट है, इसमें अक्सर जाली सिगरेट है, और जो सिगरेट जिस पे ड्यूटी टैक्सेस नहीं दिए गए थे, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटाइजेशन का मरहला है उसमें ये है कि इनको स्टिकर सिगरेट के डंडों पे या कार्टन्स पे लगाना होता है और वो उन्होंने नहीं लगाया था। इसका मकसद था कि ये सिगरेट पे टैक्स नहीं दिया गया था और जो टैक्स पे सिगरेट नहीं दिया गया था और प्लस वो जाली सिगरेट जिसको काउंटरफिट सिगरेट कहते हैं, तो उस मूव के दौरान कोई 3 महीने प्रॉबली 6 महीने के दौरान ये एक्टिविटी हुई और ये सिगरेट पकड़े गए। इसकी किसी ने ओनरशिप नहीं की है, क्योंकि ये ओनरशिप अगर करते तो इन पे ये केस दर्ज होता, FIR होती, ये गिरफ्तार किए जाते। तो जब ओनरशिप नहीं है और ये हेल्थ के लिए नुकसानकार थे तो इसलिए आज हमने डिस्ट्रक्शन किया। सिगरेट्स की डिस्ट्रक्शन हुई है यहाँ पे, ये हमारी टीम्स की वक्तन फ़ौक्तन जो कार्रवाइयाँ होती रहती हैं यहाँ पे RTO के अंदर, सखर डिवीजन और लाड़काना डिवीजन के अंदर। तो ये लास्ट ईयर भी हमने एक कार्रवाई की थी जिसमें तकरीबन 1500 के करीब कार्टून्स थे और उनकी जो मालियत थी वो कोई 12 करोड़ थी। तो इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम्स ने जो कार्रवाई की है वो उसमें तकरीबन, जिस तरह मरीज साहब ने बताया आपको कि ये 1500 जो है वो 1700 कार्टून हमने लिए हैं और कोई 12 करोड़ के करीब ड्यूटीज़ हमने रिकवर किए हैं, मतलब इनको इन्वॉल्व हैं जी।